डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार, सीनियर फैकल्टी केमिस्ट्री सीएलसी सीकर, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जेई मेन 2019 और 20 में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, है ना, सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो इनमें हम देखें, है ना, 2019 और 20 में इनऑर्गेनिक पार्ट का जो क्वेश्चंस है, इनऑर्गेनिक पार्ट में आज मैं करवाने वाला हूँ मेटलर्जी, ठीक है। तो मेटलर्जी से कुल 23 क्वेश्चंस रहे हैं, है ना, टोटल 2019 और 20 में सारे पेपर्स को मिला दें, ठीक है। 2019 में दो पेपर हुए थे, 20 में अभी तक एक ही पेपर हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट पेपर ये सितंबर में होने वाला है, तो वो तो अभी होने वाला है, बट जो हो चुका है जनवरी में वो, और 2019 के दोनों टर्मों में पूछे गए इन सारे क्वेश्चंस मेटलर्जी से। टोटल 23 क्वेश्चंस थे सारे पेपर्स को मिला करके। तो इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, है ना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द ओर दैट कंटेंट्स बोथ आयरन एंड कॉपर, आयरन और कॉपर का ओर कौन सा है, ऐसा ओर जिसमें आयरन भी प्रेजेंट है और कॉपर भी प्रेजेंट है। वेरी फर्स्ट, डोलोमाइट। डोलोमाइट मिक्स्ड ओर है, लेकिन इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, MgCO3.CaCO3, इट इज डोलोमाइट। तो आयरन कॉपर का ये नहीं है। मैलेकाइट, मैलेकाइट कॉपर का ही ओर है, इसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, CuCO3.CuOH2। नेक्स्ट, एज्यूराइट, एज्यूराइट भी मैलेकाइट की तरह कॉपर का ही ओर है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट ही है, लेकिन इसमें केवल कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का रेशियो डिफरेंट है। फोर्थ है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट इज CuFeS2, कॉपर पाइराइट इज CuFeS2, तो इसमें कॉपर भी प्रेजेंट है, आयरन भी प्रेजेंट है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, ये मेटलर्जी में एलिंगम डायग्राम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, है ना। ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन एलिंगम डायग्राम, ये एलिंगम डायग्राम यहाँ देख रखा है और इसके रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट अपने से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, एट 1400 डिग्री सेल्सियस एल्युमिनियम कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, ठीक है। 1400 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम का यूज जिंक ऑक्साइड से जिंक के रिडक्शन में किया जा सकता है, तो इस स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, इसके लिए एलिंगम डायग्राम देखें। आप जानते हो एलिंगम डायग्राम मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ होता है, और एलिंगम डायग्राम में जो मेटल नीचे प्रेजेंट है, बॉटम पार्ट में प्रेजेंट है, वो अपने ऊपर के मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस कर सकता है। तो आप यहाँ टेम्परेचर वाला स्केल देखें, 1400 डिग्री सेल्सियस, तो 1400 डिग्री सेल्सियस ये 2000 से पहले होगा, ठीक है। और यहां देखें, कह रहा है एल्युमिनियम कैन बी यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम नीचे है, जिंक ऑक्साइड ऊपर है, तो एल्युमिनियम का यूज किया जा सकता है जिंक ऑक्साइड से जिंक को रिड्यूस करने के लिए, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा सही है। और भी चूंकि ये सिंगल ऑप्शन ही ट्रू होता है, ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है, बट आगे भी देख लें बाकी स्टेटमेंट की वो क्यों ट्रू नहीं होंगे। ऑप्शन टू देखें, एट 500 डिग्री सेल्सियस कोक कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, 500 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर कह रहा है कोक कैन बी यूज्ड, तो कोक देखो ये कार्बन, कार्बन ग्राफ में ऊपर है, तो कार्बन जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि ग्राफ में ऊपर है। इन दोनों के डेल्टा जी को यदि क्लब करोगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस CO, ठीक है, तो इसका डेल्टा जी आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कार्बन ऊपर है तो इसलिए ये यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ लिखा है कैन बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन है, कोक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम CU2O। नहीं, कोक का इस्तेमाल तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में होता ही है ना, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, कोक इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है, और ये ग्राफ भी इस फैक्ट को प्रूव कर रहा है। आप कार्बन का स्लोप देखें, ये नेगेटिव की तरफ है, नीचे है, और कॉपर ये ऊपर है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को रिड्यूस कर देगा कार्बन, इसलिए थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखें, एट 400 डिग्री सेल्सियस
कॉपर कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस पर, ये 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कह रहा है कि कॉपर कैन बी यूज इन द रिडक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, तो जिंक से कॉपर ऊपर है 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो कॉपर का इस्तेमाल नहीं हो सकता जिंक ऑक्साइड से जिंक को रिड्यूस करने में, क्योंकि कॉपर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक है, और ये एलिंगम डायग्राम भी प्रूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज गिवन बाय, हॉल हेराल्ड प्रोसेस क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम का रिडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में एल्यूमिनियम आयन कैथोड पर जाकर के रिड्यूस होता है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस में यह रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये मॉल्टन फेज में आ जाता है, ये एक्चुअली क्रायोलाइट लिया जाता है यहाँ पे, है ना, और क्रायोलाइट प्लस CaF2 का मिक्सचर होता है, क्रायोलाइट प्लस CaF2 का मिक्सचर कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, इस मेल्ट में Al2O3 डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होकर के लिक्विड फेज में आ जाता है, और लिक्विड फेज में ये अपने आयन्स में टूट जाता है, एल्यूमिनियम आयन में और ऑक्साइड आयन में, और कैथोड पर ये एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस होता है Al3++3 इलेक्ट्रॉन Al, जबकि एनोड पर जो ऑक्साइड आयन है ये ऑक्साइड आयन एनोड पर डिस्चार्ज होता है O2 के रूप में, ठीक है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो, ठीक है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एल्यूमिन, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Al3+, तो यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये 2Al हो जाएगा, यहाँ 3 ऑक्साइड आयन कर दो, और ये 3/2O2 कर दो, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। अब ये जो O2 रिलीज हुआ C+O2, ये CO2, चूँकि यहाँ एनोड ग्रेफाइट रॉड के बने होते हैं, एनोड ग्रेफाइट रॉड का, तो ये एनोड पर जो इवॉल्व ऑक्सीजन है वो एनोड रॉड को कोरोड करता है, इस कार्बन को CO2 में चेंज कर देता है, ठीक है। अब ये 3/2 के अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस करना चाहो, ठीक है, तो बैलेंस कर सकते हो C+3/2O2, ये इधर हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रखना होगा 3/2 CO2, तो 3/2 C ले लो। अब इन सबको आप जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ आप देखो एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयन, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस करेगा, Al3+ ऑक्साइड आयन यानी Al2O3, Al2O3+ कार्बन 3/2 C, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस 3/2 CO2, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा, O2 इधर ये कैंसिल हो गया, है ना, और एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन मिला करके हमें लिख दिया Al2O3, तो ये आ जाएगा रिएक्शन Al2O3+Al2O3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉफिशियंट भी यही आ जाएगा एग्जैक्टली, है ना, यहाँ 2 एल्यूमिनियम था, 2 एल्यूमिनियम कर दो, ठीक है, ओके। फर्स्ट हॉल हेराल्ड प्रोसेस, सेकेंड रिएक्शन है हॉल हेराल्ड प्रोसेस, फर्स्ट तो जिंक ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा रिडक्शन है, ये हॉल हेराल्ड प्रोसेस नहीं है, सेकेंड क्रोमियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के द्वारा रिडक्शन है, ठीक है, ये भी नहीं है, फोर्थ देखो Cu2+ का हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन है, ये भी हॉल हेराल्ड प्रोसेस नहीं है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द ओर विथ द मेटल्स, कॉलम ए में ओर्स दिया हुआ है, कॉलम बी में रेस्पेक्टिव मेटल दिया हुआ है, ये ओर कौन से मेटल का है ये मैच करवाना है, तो सीडेराइट, सीडेराइट क्या होता है, FeCO3, ठीक है, ये आयरन का ओर है, तो ए का तो आर हो जाएगा,
नेक्स्ट कायोलिनाइट, ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, ये एक तरह का क्ले है कायोलिनाइट, तो ये एल्यूमिनियम का ओड़ हो गया। एस मैलेकाइट, मैलेकाइट हमने आपको बताया है कॉपर का ओड़ होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, तो सी का क्यू। डी कैलामाइन, कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट ZnCO3, तो डी का पी। तो आप देख ले ए का आर, बी का एस, सी का क्यू। ऑप्शन वन नहीं है, ऑप्शन टू देखें, ए का क्यू है, ऑप्शन टू भी नहीं है। थर्ड देखें, ए का आर, बी का एस, सी का पी है, तो ये भी नहीं है। फोर्थ देखें, ए का आर, बी का एस, सी का क्यू, डी का पी, तो ये फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, द एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड पूछा गया है आपसे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक हाइड्रोक्साइड है, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये सेकेंड ए के मेटल्स में केवल बेरिलियम का ही हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बाकी सेकेंड ए के सभी मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन, कौन सा रिएक्शन कैल्सिनेशन नहीं है। फर्स्ट Cu2S+O2, तो Cu2S+O2 क्यूप्रस सल्फाइड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रोस्टिंग है, इट इज नॉट कैल्सिनेशन, तो फर्स्ट ही हो जाएगा आंसर, इट इज रोस्टिंग। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, इट इज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इज हीटिंग ऑफ ओर इन द अब्सेंस ऑफ एयर या इन वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, वहां एयर के साथ रिएक्शन नहीं होता कैल्सिनेशन में। हीटिंग ऑफ ओर इन द अब्सेंस ऑफ एयर टू वेरी हाई टेम्परेचर बट बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक है, जबकि यहाँ एयर का ऑक्सीजन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन नहीं है। सेकेंड आप देखो Fe2O3.XS2O है ना, कैल्सिनेशन करोगे तो H2O हट जाएगा, वेपर के फॉर्म में कैल्सिनेशन है। थर्ड CaCO3.MgCO3 केवल हीट कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, है ना, ये डिकम्पोज हो रहा है अपने ऑक्साइड में और CO2 में, कैल्सिनेशन है। जिंक कार्बोनेट को हीट कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये भी डिकम्पोज हो रहा है जिंक ऑक्साइड और CO2 में, ये भी कैल्सिनेशन है। तो ऑनली फर्स्ट ऑप्शन में जो रिएक्शन है, इट इज नॉट कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द रिएक्शन MgO+C Mg+CO, ओके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन है, फॉर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू +491.1 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 198 जूल पर कैल्विन पर मोल इज नॉट फीजेबल एट 298 कैल्विन, टेम्परेचर एवर विच रिएक्शन विल बी फीजेबल। आपसे पूछ रहा है किस टेम्परेचर पर यह रिएक्शन फीजेबल होगा, तो आप जानते हो थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन को फीजेबल होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जिस टेम्परेचर पर डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, उससे जस्ट अबव टेम्परेचर पर जाने पर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, तो वह टेम्परेचर निकाल लें जहां डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, यानी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है 491.1 किलो जूल पर मोल में है, किलो जूल पर मोल में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जूल पर मोल में आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस जूल पर कैल्विन पर मोल में दे रखा है, अपॉन डेल्टा एस कर दो 198। ठीक है, अब इसको आप ये डिवाइड कर लोगे, ये आ जाएगा 2480.3 कैल्विन, यानी सेकेंड ऑप्शन। ओके,
तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच पर बेस्ड था, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, जीरो रख देना है डेल्टा जी, यानी 2480.3 केल्विन पर डेल्टा जी जीरो हो रहा है, और जैसे ही इसे टेम्परेचर अबव होगा कि ये डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे अबव के टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फीजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन द हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड। बिल्कुल, अभी हमने देखा हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस में एल्यूमिनियम रिड्यूस होता है कैथोड पे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं। द कैथोड इज मेड आउट ऑफ हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस में कैथोड और एनोड दोनों ही कार्बन के बने हुए होते हैं। कैथोड में कार्बन के ब्रिक्स लगे हुए होते हैं, जो हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में भीतर में कैथोड के ब्रिक्स, ये कार्बन के ब्रिक्स लगे हुए होते हैं, है ना, ये कैथोड की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ ग्रेफाइट रॉड को, है ना, क्लैंप करके पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करके एनोड बनाते हैं। तो एनोड और कैथोड यहाँ दोनों ही कार्बन का ही बना हुआ होता है। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन, युग्म जिसके लिए निस्तापन की आवश्यकता नहीं होती है, पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन, है ना। तो जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड Fe2O3.XS2O, चौथा ऑप्शन है Fe2O3 एंड CaCO3.MgCO3। कैल्सिनेशन का पर्पस क्या होता है बेटा, जो नॉन ऑक्साइड ओर होते हैं उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। अब यहां देखो, जिंक कार्बोनेट है तो जिंक कार्बोनेट को आपको जिंक ऑक्साइड में चेंज करना है तो कैल्सिनेशन करवाना पड़ेगा। सेकंड, ये दोनों ही ऑक्साइड हैं ऑलरेडी, तो यहां कैल्सिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि कैल्सिनेशन का सेकेंडरी पर्पस भी होता है, ठीक है, कि जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होता है उसको भी हटाना होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। थर्ड ऑप्शन है Fe2O3.XS2O, तो .XS2O है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसको हटाना है, रिमूव आउट करना है, ये हीट करेंगे, है ना, एयर के एब्सेंस में, तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना, तो इसमें भी कैल्सिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही CaCO3.MgCO3 है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना है, कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना है तो कैल्सिनेशन करवाना ही होगा। तो एक सेकेंड ऑप्शन है जहाँ दोनों ही ऑक्साइड्स हैं, इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पर्पस नहीं है, इसलिए इसमें कैल्सिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू एन ओर, एलिंगम डायग्राम हेल्प टू प्रेडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ इट्स। एलिंगम डायग्राम क्या चीज में हेल्प करता है ये आपसे पूछ रहा है। एलिंगम आरेख एक एस्क में निम्न में से किसके होने की संभावना की प्रायुक्ति करने में हमारे मदद करता है, ठीक है। तो एलिंगम डायग्राम गिव्स द थर्मल फीजिबिलिटी या थर्मल रिडक्शन, ठीक है, ऑफ ओर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को थर्मली रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, अगर रिड्यूस किया जा सकता है तो कौन से रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल होंगे, एलिंगम डायग्राम इनका आइडिया देता है, ठीक है। तो देखें, थर्मल रिडक्शन फर्स्ट ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, आप जानते हो मॉन्ड प्रोसेस निकेल का वेपर फेज रिफाइनिंग है। मॉन्ड प्रोसेस में क्या करते हैं, ये निकेल, थोड़ा आसपास की बातें ही बता ही देता हूँ, ऐसे तो एक वर्ड में आंसर है, ये निकेल का रिफाइनिंग मेथड है, वेपर फेज रिफाइनिंग है। निकेल का करते कैसे हैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। निकेल सॉलिड मेटल है, ये इम्प्योर निकेल है, इसको प्योरीफाई करना है, प्योरीफाई करना है तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ हीट करते हैं, ये बना देता है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, है ना। फर्दर इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के देता है निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये होता क्या है, केवल निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और इस टेम्परेचर पर, है ना, कार्बन टेट्रा कार्बोनिल निकेल जो बना
ये वोलेटाइल है, वेपर फेज में ऊपर आ जाता है, नीचे इंप्योरिटी रह जाती है। तो इंप्योरिटी से निकल अपने इस कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के रूप में इंप्योरिटी से सेपरेट आउट हो जाता है वेपर फेज में जाकर के, फिर इसको हीट करते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है, तो ये यहाँ मिल जाता है, ये निकल प्योर निकल है, ये निकल प्योर निकल है। ओके, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल थर्ड ऑप्शन। ये देखें क्वेश्चन, देखें द ओर दैट कंटेन्स द मेटल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड्स एस्फेलेराइट। ये फ्लोराइड ओर नहीं है, ये जिंक का मेजर ओर है, जिंक सल्फाइड, ठीक है, इसका दूसरा नाम जिंक ब्लेंड भी है। सेकेंड क्रायोलाइट, हाँ क्रायोलाइट निश्चित रूप से फ्लोराइड है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6, है ना, एक्चुअली इट इज मिक्सचर ऑफ 3 मोल सोडियम फ्लोराइड एंड 1 मोल एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इट इज क्रायोलाइट। मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट आप जानते हो आयरन का ओर है, Fe3O4 ऑक्साइड ओर है। मैलेकाइट, मैलेकाइट मिक्सड ओर है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuCO3.CuH2, तो ये हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर है, ठीक है। फ्लोराइड ओर इसमें केवल एक ही है, सेकेंड क्रायोलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एसर्सन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, एसर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। ओके, एसर्सन है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हेमेटाइट ओर इज यूज, बिल्कुल सही है, आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, आयरन का चीफ ओर हेमेटाइट है। रीजन है हेमेटाइट इज ए कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन, ये गलत है, हेमेटाइट इज Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड ओर, इट इज इट, ये कार्बोनेट ओर नहीं है, ठीक है। तो एसर्सन इज ओनली, एसर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है, तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, ओनली द एसर्सन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वन दैट इज नॉट कार्बोनेट ओर, वन है द ओर दैट इज नॉट ए कार्बोनेट ओर, इनमें से कौन सा ओर कार्बोनेट ओर नहीं है, मैलेकाइट CuCO3.CuH2, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट ओर है। सीडेराइट FeCO3 कार्बोनेट ओर है। बॉक्साइट, बॉक्साइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3.2S2O, बॉक्साइट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ओर में आता है, ठीक है, ये कार्बोनेट ओर नहीं है। कैलामाइन ZnCO3 कार्बोनेट ओर है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ तो कार्बोनेट ओर हो गए, आपसे पूछ रहा है कौन कार्बोनेट ओर नहीं है, तो ओनली थर्ड, बॉक्साइड इज नॉट कार्बोनेट ओर, इट इज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमैटोग्राफी इज, कॉलम क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ इम्प्योरिटी एंड मेटल, मेटल और इम्प्योरिटी में जो एडजॉर्ब होने की प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है उस पर बेस्ड होता है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो आप देखें कैपिलरी एक्शन नहीं, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेज, बिल्कुल सेकेंड। थर्ड देखें, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेज, सेकेंड थर्ड ऑप्शन सेम कर दिया है क्या, नहीं ये सेम ऑप्शन नहीं है बेटा, है ना, ये एक्चुअली एडजॉर्प्शन है और ये एब्जॉर्प्शन है, तो ये डिफरेंस इन एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन पर। अब देखो ये कितना माइनर सा डिफरेंस है, केवल एक लेटर का डिफरेंस है, डी और बी, ये पढ़ने में भी एरर हो सकता है, जैसे हमने अभी जस्ट एरर किया पढ़ने में, है ना, शुरू में एडजॉर्प्शन पढ़ा और उसी के अकॉर्डिंग ये भी लगा कि ये भी एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ये डिफरेंस इन एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मैच द रिफाइनिंग मेथड विथ मेटल्स, कॉलम फर्स्ट में रिफाइनिंग मेथड दे रखा है, कॉलम सेकंड में मेटल दे रखा है, यानी ये जो रिफाइनिंग मेथड है ये कौन से मेटल के लिए सुटेबल है, कौन से मेटल के लिए इनका यूज किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट मैचिंग करनी है।
तो वेरी फर्स्ट देखें लिक्वेशन. लिक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी. यदि मेटल और इम्प्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट में सफिशियंट डिफरेंस है तो लिक्वेशन प्रोसेस इज सुटेबल. और इसके लिए जरूरी है कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होना चाहिए, जैसा कि टिन और लेड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टिन और लेड का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है. तो लिक्वेशन इज यूज फॉर टिन एंड और लेड है, यस टिन है. तो फर्स्ट का तो हो जाएगा सी. फर्स्ट का सी. सेकेंड जोन रिफाइनिंग. जोन रिफाइनिंग से वेरी हाई प्योरिटी में एलिमेंट मिलता है, ठीक है. और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है सेमी कंडक्टर्स वगैरह को, साथ ही गैलियम को रिफाइन करने में. तो आप देखें जिरकोनियम नहीं, निकल नहीं, टिन नहीं, गैलियम है. तो सेकंड का हो जाएगा डी. मॉन्ड प्रोसेस अभी जस्ट हमने देखा ही था, डिटेल रिएक्शन भी देखा था, निकल के रिफाइनिंग में यूज होता है. तो इसका हो जाएगा बी, मॉन्ड प्रोसेस का. नेक्स्ट फोर्थ है वैन अर्कल मैथड. वैन अर्कल मेथड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग एंड इट इज यूज टू रिफाइन टाइटेनियम एंड जिरकोनियम. और इसमें जो रिफाइनिंग एजेंट होता है वो आयोडीन होता है. मेटल जिरकोनियम या आयोडीन को, जिरकोनियम या टाइटेनियम को आयोडीन के साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो टाइटेनियम या जिरकोनियम रेस्पेक्टिव आयोडाइड बनाता है TiI4 या ZrI4. और ये प्रोडक्ट रिएक्शन टेम्परेचर पर वोलेटाइल होता है, वेपर फेज में आ जाता है. इस तरीके से ये इम्प्योरिटी से सेपरेट आउट हो जाता है. फिर और हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये मेटल आयोडाइड डिकम्पोज होकर के मेटल और आयोडीन दे देता है. आयोडीन वेपर फेज में होता है और मेटल सॉलिड स्टेट में. इस तरीके से ये प्योर मेटल अपने को मिल जाता है. इट इज ना वैन अर्कल मेथड. तो ये जिरकोनियम हो जाएगा. तो आप ऑप्शन में चुन लें फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए. ये सेकेंड ऑप्शन में है. फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट इज, है ना, सही कथन कौन सा है. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है. जैसे वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम, है ना. जोन रिफाइनिंग टाइटेनियम के रिफाइनिंग में वैन अर्कल प्रोसेस का यूज किया जाता है, जोन रिफाइनिंग यूज नहीं करते, ठीक है. जिंकाइट आपसे एक ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है. जिंकाइट इज ए कार्बोनेट और ना. एनिलीन इज ए फ्रॉथ स्टेबलाइजर, है ना. हाँ, एनिलीन और क्रिसॉल दो का इस्तेमाल फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने में किया जाता है. ये पार्शियल सॉल्वेशन के थ्रू जो रिजल्टिंग फ्रॉथ होता है, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करते हैं. तो ये थर्ड करेक्ट ऑप्शन है. चौथा कह रहा है सोडियम साइनाइड कैन नॉट बी यूज इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर. सिल्वर की मेटलर्जी में सोडियम साइनाइड ही यूज करते हैं, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है. गोल्ड और सिल्वर, है ना, इनकी मेटलर्जी में सोडियम साइनाइड मेजर रिएजेंट है. तो फोर्थ इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन केवल थर्ड. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18. द आइडिया ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड केम फ्रॉम ए पर्सन एक्स, है ना. यानी पर्सन एक्स एक वाशरमैन था एक्चुअली, है ना. एक वाशरमैन के पास खदान में काम, जो कॉपर की खदान थी, उसके काम करने वाले जो मजदूर थे उनके, है ना, कपड़े धुलते थे, ठीक है. एक इंजीनियर था, उसके कपड़े धुलने के लिए गए तो एक दिन बहुत बढ़िया से धुला कपड़ा उसका. तो फिर वाशरमैन से आकर के इंजीनियर ने कॉन्टैक्ट किया कि ये कपड़े से जो ओड के पार्टिकल चिपके हुए थे ये कैसे बेहतर तरीके से हट गए, ठीक है. तो फिर जाकर के आइडिया दिया वाशरमैन ने उस इंजीनियर को. ये आपकी NCERT में भी कहानी दे रखी है, ठीक है. तो ये पर्सन एक्स वाज वाशरमैन एंड एक्स एंड प्रोसेस वाई. तो प्रोसेस वाई कंसंट्रेशन का मेथड है, वाशरवुमन एंड कंसंट्रेशन सेकंड, ठीक है. नेक्स्ट. अब यहां देखो बेटा, ये वाशरमैन भी है, वाशरवुमन भी है, ठीक है. ये बड़ा मजेदार हो जाता है. वो तो इधर कंसंट्रेशन था, ठीक है. कंसंट्रेशन वाशर एंड कंसंट्रेशन केवल सेकंड में ही है. फर्स्ट में वाशरमैन एंड रिडक्शन है, तो रिडक्शन की वजह से तो, है ना, नहीं होगा ये, ठीक है.
यहाँ कासरहन फिशर वोमेन है, ये नहीं होगा, फिशर वोमेन है, यहाँ फिशरमैन एंड रिडक्शन नहीं होगा। अब यदि देता वाशरमैन एंड कंसंट्रेशन और वाशर वोमेन एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये कहानी में वो है ना पुरुष था या महिला थी, ठीक है, इतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मेमोरी की बात है, कहानी पढ़े आपको याद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द करेक्ट स्टेटमेंट इज पिग आयरन इज ऑब्टेंड फ्रॉम कास्ट आयरन, ठीक है, पिग आयरन इज ऑब्टेंड फ्रॉम कास्ट आयरन गलत है, कास्ट आयरन इज ऑब्टेंड फ्रॉम पिग आयरन। पिग आयरन में कार्बन कंटेंट हाई होता है, 4% होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू कार्बन कंटेंट कम करते हैं, ठीक है, और कास्ट आयरन मिलता है, कास्ट आयरन में आयरन कार्बन कंटेंट 3% होता है, तो फर्स्ट तो गलत है ही, अपने से करेक्ट स्टेटमेंट चुनने कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट यूजिंग कंसंट्रेटेड एनएओएच सॉल्यूशन गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट, सही, जब बॉक्साइट Al2O3.2S2O इसकी लीचिंग कर पाते हैं, लीचिंग में कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, तो अल्यूमिना Al2O3.2S2O अल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक होने की वजह से यह स्ट्रॉन्ग बेस NaOH में डिजॉल्व हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट देता है। ओके, और अगर सिलिका की इम्प्योरिटी है तो वह भी डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सिलिका एसिडिक होता है ना, और NaOH बेसिक है, तो सिलिका की इम्प्योरिटी भी डिजॉल्व हो जाएगा, और सिलिका की इम्प्योरिटी डिजॉल्व हो जाएगा तो सोडियम सिलिकेट बनाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे ऑप्शन देखें, सेकेंड ऑप्शन तो आंसर है, आगे देखें, थर्ड, ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ कॉपर ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेस इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, नो, इट इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट, फोर्थ, द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, आयरन के है ना आयरन के एक्सट्रैक्शन में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता है, ये केवल एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, इसलिए चौथा भी गलत, तो ऑनली करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 20। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन इज रॉट आयरन, ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट काफी कम होता है, 0.15 से लेकर के 0.3% तक आयरन कंटेंट होता है रॉट आयरन। क्वेश्चन नंबर 21, द रिफाइनिंग मेथड यूज्ड व्हेन द मेटल एंड द इम्प्योरिटीज हैव लो एंड हाई मेल्टिंग टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली, अभी जस्ट हम कह रहे थे है ना, लिक्वेशन का ये प्रिंसिपल है, लिक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी, इफ देयर इज हाई डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटी, दोनों में से यदि किसी एक का मेटल का या इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लोअर और दूसरे का काफ़ी हाइयर है, देन लिक्वेशन इज सुटेबल, ठीक है, तो ये लिक्वेशन का है ना फिजिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, तो ये फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अमॉन्ग द रिएक्शन A to D, द रिएक्शन दैट डज नॉट अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कह रहा है कि ये ABCD चार रिएक्शन हैं, इन रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में नहीं होते, ठीक है, वेरी फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 CaSiO3, तो ये जो सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, ये फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड इसको स्लैग में कन्वर्ट कर देता है, तो ये स्लैग फॉर्मेशन ब्लास्ट फर्नेस में होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। Fe2O3 का कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिडक्शन है ऑप्शन बी में, ठीक है, Fe2O3 को रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, तो ये बी भी है ना सही है, रिएक्शन होता है। सी है FeO+SiO2 FeSiO3, नहीं ये नहीं होता ब्लास्ट फर्नेस में, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में तो एक तो जो मेटल लिया जाता है, ठीक है, वह मेटल ऑक्साइड लिया जाता है, Fe2O3 लिया जाता है, अगर उसमें Fe3O4 वगैरह प्रेजेंट होता है तो उसको पहले ही रोस्ट कर देते हैं, ताकि उसमें जो Fe कंटेंट है वो Fe2O3 में चेंज कर जाए,
और Fe2O3 SiO2 के साथ कंबाइन नहीं करता, ठीक है। तो ये C तो नहीं होता, तो C आंसर हो जाएगा। D FeO का थर्मल क्रैकिंग है, FeO और O2 में थर्मली क्रैक हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। FeO को Fe में रिड्यूस कार्बन करता है, कोक करता है, तो ये D भी नहीं होता। तो C और D यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 23, ये फिर एलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डायग्राम ए रिड्यूसेस BO2 व्हेन द टेम्परेचर इज। तो ए BO2 को उस टेम्परेचर तक रिड्यूस कर सकता है ना, जिस टेम्परेचर पे ए है ना एलिंगम डायग्राम में नीचे हो बी के कंपैरिजन में। तो आप देखो ए रिड्यूसेस BO2, तो ए को नीचे आना चाहिए, ए ऊपर है ऊपर है ऊपर है, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद ये 1400 डिग्री सेल्सियस है, इसके बाद ए नीचे आ गया है ना, ये ए नीचे आ गया और बी ऊपर चला गया। तो 1400 से अबव टेम्परेचर पर, 1400 डिग्री सेल्सियस से हाइयर टेम्परेचर पर ए कैन रिड्यूस BO2, ठीक है। तो अबव 1400 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन 3 है ना। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे बेटा, है ना, 23 क्वेश्चन थे, 23 का 23 हमने डिस्कस कर दिया है ना। आगे और भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर के आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।